नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक बेहद ही दुखद खबर निकल कर आ रही है। पूरी खबर विस्तार से समझाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बहुजन समाज पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी के पास इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ये खबर उनको पता चल सके। तो आइए हम आपको पूरी खबर विस्तार समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, बहुजन समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी हर तरीके से बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देने का काम करता है। कुछ पदाधिकारी ऐसे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा तमाम परेशानियां, तमाम बीमारियों से जूझते हुए भी बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देने का काम करते हैं। एक खबर निकल कर आ रही है लखनऊ की मोहनलालगंज विधानसभा से। लखनऊ की मोहनलालगंज विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष बुद्धसेन आनंद क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अच्छी छवि रखते थे, लगातार बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देने का काम करते थे। जमीनी स्तर पर बहुजन समाज पार्टी के हर एक इलेक्शन में लोगों को जनसंपर्क करते थे, हर एक पदाधिकारी को जिताने के लिए तन हर तरीके से पूरा तन अपना बहुजन समाज पार्टी को समर्पित कर चुके थे। और बुद्धसेन आनंद अचानक से बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के बीच से अकस्मात ही उनका निधन हो गया, जिस खबर से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों में काफ़ी ज़्यादा रोष है, काफ़ी ज़्यादा दुखद है, काफ़ी ज़्यादा लोग चिंतित हैं कि बहुजन समाज पार्टी के एक मजबूत स्तंभ मोहनलालगंज विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष बुद्धसेन आनंद अचानक से उन सभी के बीच नहीं रहे और अचानक से उनका निधन हुआ। ये खबर सुनने के बाद बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारियों को बुद्धसेन आनंद के क्षेत्र में, यानी कि जहाँ वो रहते हैं उस जगह पर तांता लगा और काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में पदाधिकारी पहुँचे। MLC भीमराव अंबेडकर जी भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा ये बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति है। ये कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे, काफ़ी ज़्यादा तमाम बीमारियों से जूझ रहे थे, फिर भी वो बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे थे। हम आपको बताने की कोशिश करें, मोहनलाल विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष अक्षमा जी निधन हुआ, पूरी बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया और उनके बड़े बेटे अवनीश 19 वर्ष ने मुखनी दी। परिवार में तीन पुत्र हैं, आदित्य, आर्यन हैं। पत्नी सीसामती रोते रोते बर्बास और बेहोश हो गई। काफ़ी ज़्यादा ये दुखद खबर है और बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष मोहनलालगंज विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष का अक्षमादी निधन हुआ और बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी ज़्यादा रोष व्यक्त है। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से वो बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देने का काम करते थे। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम पर आपकी क्या राय, आप अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे भी मिशन टीवी। भी मिशन टीवी को फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें।